हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी एग्जाम शीट ईवीएस। ईवीएस में एलकेजी के बच्चों को एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन एग्जाम शीट की हेल्प से आप चाहें तो अपने बच्चे को एग्जाम की प्रिपरेशन ईजिली करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वी फॉर वेजिटेबल एंड एफ फॉर फ्रूट। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं जिसमें बच्चों को देखना है कि कौन सा वेजिटेबल है एंड कौन सा फ्रूट है। तो वेजिटेबल के नीचे बच्चों को वी लिखना है एंड फ्रूट के नीचे बच्चों को एफ लिखना है। जैसे कि ये है एप्पल, ये एक फ्रूट है, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है एफ। इस तरीके से ये है रेडिश, रेडिश एक वेजिटेबल है, तो यहाँ पे लिखना है वी। मैंगो फ्रूट है, एफ। चेरी भी फ्रूट है, एफ। पीस है, ये एक वेजिटेबल है। ऑरेंज फ्रूट, टर्निप वेजिटेबल, ब्रिंजल वेजिटेबल, बेरी फिंगर वेजिटेबल एंड ग्रेप्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द हेल्दी फूड एंड क्रॉस द जंक फूड। यहाँ पे हमें जो हेल्दी फूड है उन्हें टिक करना है एंड जो जंक फूड है उन्हें क्रॉस करना है। लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम एक जंक फूड है, तो यहाँ पे हमें इसे क्रॉस करना है। इस तरीके से एप्पल एक फ्रूट है, ये हेल्दी होता है, इसलिए हमें इसे टिक करना है। कैंडी, कैंडी भी जंक फूड है। समोसा जंक फूड। इस तरीके से स्पिनच एक ग्रीन वेजिटेबल है जो कि हमारे लिए हेल्दी होता है, इसे भी हमें टिक करना है। टमाटो हेल्दी फूड है, इसे भी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द एनिमल विद इट्स होम। यहाँ पे जो एनिमल्स दिए हैं इनको हमें इनके होम से मैच करना है। जैसे कि है एंट, तो एंट किस में रहती है? हाइव में। एंट लिव्स इन हाइव। मंकी लिव्स इन, monkey lives on tree. Dog, dog lives in kennel. Bird, bird lives in nest. Spider, spider lives in web. Next question है, circle the living things. यहाँ पे कुछ living things और कुछ non-living things दी गई हैं, जिन्हें बच्चों को जो living things हैं उन्हें circle करना है। जैसे यहाँ पे kite है, kite non-living thing है। Bird, bird living thing है, जैसे हमें सर्कल करना है। बलून नॉन लिविंग थिंग है, फिश लिविंग थिंग है, ट्री लिविंग थिंग है। इस तरीके से पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है, बॉल ये भी नॉन लिविंग थिंग है, कैट, कैट एक लिविंग थिंग है, सन नॉन लिविंग थिंग है, एप्पल नॉन लिविंग थिंग है एंड बॉय लिविंग थिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। एक वी सी विद आर, हम किस सेंस ऑर्गन से देखते हैं? आईज से। हमें यहाँ पे लिखना है ई वाई ई आई। फिर है वी हेयर विद आर ईयर, यहाँ पे हमें लिखना है ईयर। फिर है वी स्मेल विद आर नोज, नोज की स्पेलिंग लिखनी है बच्चे को। फिर है वी टेस्ट विद आर टंग, टी ओ एन जी यू ई टंग। फिर है वी फील विद आवर स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द पिक्चर दैट टुगेदर। हमें यहाँ पे पिक्चर्स को मैच करना है जो एक दूसरे से रिलेट करती है। लाइक यहाँ पे ब्रश है, तो हमें इससे रिलेटेड जो थिंग है उसको मैच करना है ब्रश से। जैसे कि यहाँ पे है ब्रश, यहाँ पे है टूथपेस्ट, ब्रश टूथपेस्ट। इस तरीके से यहाँ पे है लॉक, यहाँ पे है की, लॉक को हमें की से मैच करना है। बैट बॉल, शू सॉक, बुक पेंसिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डब्ल्यू फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ए फॉर एयर ट्रांसपोर्ट एंड एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट्स दिए गए हैं, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे बच्चों को लिखना है डब्ल्यू, एयर ट्रांसपोर्ट के नीचे बच्चों को लिखना है ए एंड लैंड ट्रांसपोर्ट के नीचे बच्चों को लिखना है एल। जैसे कि यहाँ पे है एरोप्लेन, सो एरोप्लेन कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है ए। इस तरीके से शिप, शिप कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है डब्ल्यू। कार लैंड ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एल। हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट है, ए। इस तरीके से ट्रेन एक लैंड ट्रांसपोर्ट है जो कि ट्रैक पे चलती है। बोट वाटर ट्रांसपोर्ट, बस लैंड ट्रांसपोर्ट।
पिनाक टिक्का आर नेशनल सिंबल्स। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं तो उनमें से जो हमारा नेशनल सिंबल है उसको हमें टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे है नेशनल फ्लावर, तो बच्चे को देखना है कि इन दोनों में से हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है। सो लोटस इज आर नेशनल फ्लावर, तो बच्चे को लोटस को टिक करना है। फिर है नेशनल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट हमारा क्या है, हॉकी, तो बच्चे को हॉकी पर टिक करना है। नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल फ्लैग ट्राइकलर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट दिए गए हैं इनके हमें फर्स्ट लेटर लिख के पार्ट्स के नेम को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फ्लावर, तो फ्लावर किस लेटर से स्टार्ट होता है, एफ से, हम लिखेंगे एफ यानी कि फ्लावर। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है फ्रूट, तो फ्रूट किस लेटर से स्टार्ट होता है, एफ से। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टेम, जो एस से स्टार्ट होता है, रूट, आर से, लीफ, एल से। तो इस तरीके से बच्चों को फर्स्ट लेटर लिख के पार्ट्स ऑफ प्लांट कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू LKG एग्जाम शीट EVS। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।